हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर प्लांट। मैं अब फ्री हो गया हूँ, इसलिए कोशिश करूंगा कि आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उसके ऊपर काम हो और डेली वाइज आपको प्लांट के ऊपर वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो प्लान है वो आपको पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 30x38 फिट का एक हमारे व्यूअर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मुझे ये प्लान चाहिए, तो मैंने दो तीन प्लान उनको दिया है लेकिन वो उनको पसंद नहीं आया। तो ये उनके लिए मैं एक और कोशिश कर रहा हूँ कि ये उनको पसंद आ जाए। जैसा कि उनका रिक्वायरमेंट था कि मुझे जितने रूम है उसमें टॉयलेट अटैच चाहिए, तो उसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश में मैं लगा हुआ। और चलिए एक नया प्लान उसके ऊपर मैं बनाया हूँ, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मैं कॉलम का पोजिशन भी दिया हुआ हूँ। इसमें ये वाला जो कॉलम है वो आपको इस कैटेगरी का कॉलम, उसका साइज है 10x10, और ये जो कॉलम है ये आपको 12x18 का कॉलम है। यहाँ पे देखते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको एंट्रेंस है, यहाँ पे अपना रैंप बना सकते हैं, आप अपना रैंप स्टेयर जो भी हो भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एंट्री करेंगे आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा जो कि 522 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पे किचन आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको साउथ और ईस्ट कॉर्नर पे है, जो कि आपको 10 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 2 इंच का है। यहाँ पे आपको स्टेयर मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से चल करके इस तरह से आपको स्टेयर मिलेगा। इस स्टेयर के बीच में आपको लिफ्ट का भी पोजीशन मिलेगा, जैसा कि आपका रिक्वायरमेंट था कि मुझे लिफ्ट चाहिए, तो ये आपका 3 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 10 इंच का लिफ्ट का पोजीशन है। यहाँ पे चारों कॉर्नर पे आपको 10x10 का कॉलम दे सकते हैं आप अपना लिफ्ट के लिए। यहाँ पे स्टेयर है जो है वो आपका स्टेयर का एरिया हो जाएगा 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट 8 इंच का। और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक रूम देखने को मिल जाएगा जो कि 10 फीट 6 इंच बाय 16 फीट है, और यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट है जिसका साइज आप लोग देख सकते हैं ना, 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 3 इंच। अब हम लोग चलते हैं इसके फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के बाद की तरफ, और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसके फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर का प्लान बनाया है। जैसे ही आप लोग स्टेयर से ऊपर आएंगे यहाँ पे आपको बड़ा सा हॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट था कि मुझे हरा हॉल बड़ा चाहिए, तो ये आपको 15 फीट 5 इंच बाय 19 फीट 3 इंच यानी कि 15 फीट 5 इंच बाय 19 फीट 3 इंच का यहाँ पे हॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम पोजिशन में आपको किचन मिलेगा जो कि 10 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 2 इंच का है, और यहाँ पे एक यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम मिलेगा जो कि देख सकते हैं 10 फीट 6 इंच बाय 16 फीट का है, और यहाँ पे अटैच टॉयलेट है जो कि आप देख सकते हैं 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 3 इंच का है। यहाँ पे आप चाहे तो वेंटिलेशन दे सकते हैं, वेंटिलेटर, और यहाँ पे आपको आपको वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेकेंड बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं 10 फीट 6 इंच बाय 16 फीट का है, और यहाँ भी आपको एक अटैच टॉयलेट मिलेगा जो कि आपको 4 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का है। तो ये सिंपल सा आपका प्लान है जैसा कि अभी कमेंट है था, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको पसंद आना ही चाहिए। और आप लोग का भी कोई प्लान हो या फिर आप लोग का कोई प्लान बनाना चाहते हो तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए, वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वहां पे आप अपना रिक्वायरमेंट बताइए, मैं आपसे आपको बना करके आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, और आप चाहे तो इसका पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।